बॉस 16 लाइव फीड में आपको बता दूं कि प्रियंका और अंकित को अलग करने के लिए जहां कॉन्टेस्टेंट्स रच रहे हैं बड़े बड़े प्लान, तो अब प्रियंका भी उन कॉन्टेस्टेंट्स को देने वाली है मात। प्रियंका ने चली है एक बहुत ही बड़ी चाल। तो आइए आपको मैं प्रियंका का फुल गेम समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। बिग बॉस 16 लाइव फीड में प्रियंका, अंकित और अर्चना सुबह गार्डन एरिया में बातें करते हुए नजर आए, जहाँ अंकित और प्रियंका बैठे होते हैं वहीं अर्चना होती है, गॉसिपिंग करती रहती है। अर्चना ये कहती है कि ओ माई गॉड, अभी तो परसों ही तो शेखर सुमन जी आए थे और अब इतनी जल्दी वापस थर्सडे आ चुका है और वीकेंड का वार आ गया, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। और अब तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, सलमान खान जी मुझे बहुत डांटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने और गोरी नगोरी ने एक दूसरे के साथ मुद्दा जो खड़ा कर दिया और गोरी ने जो पानी फेंका, उसके बाद तो ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है जिसमें सलमान खान मेरी क्लास लेंगे। अब इसी बात पर प्रियंका कहती है कि इसलिए तो मैं अभी चुप हूँ, शांत हूँ वीकेंड के वार तक। यहाँ पर प्रियंका ये कहती है कि मुझे ये साफ पता है कि ये सभी मिलकर मुझे और अंकित को अलग करना चाहते हैं। हमारे रूम्स को भी इसीलिए अलग किया गया है क्योंकि सबको पता है कि शिव चाहकर भी प्रियंका को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अंकित को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस वजह से ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है हम दोनों को अलग करने के लिए। इनफैक्ट जब हम दोनों एक साथ बैठकर खाते भी हैं तो शिव आकर ये बोलता हुआ नजर आया है कि कभी हमारे पास भी तो अंकित आकर खा लिया करो, कभी हमारे से भी तो गपशप कर लिया करो। तो वैसे में फिलहाल प्रियंका और अंकित को अलग करने के लिए यहाँ पर प्लान किए जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका ने पहले से ही प्लान अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। प्रियंका का कहना है कि मैं अभी फिलहाल शांत बैठी हुई हूँ बस वीकेंड के वार तक, लेकिन वीकेंड का वार जैसे ही होगा खत्म, उसके बाद मैं आऊंगी अपने असल रूप में और जो भी पंगे लेंगे मैं उसे भी वैसा ही पंगा सिखाऊंगी। तो ऐसे में प्रियंका ने फुल टू प्लानिंग कर ली है। अब इस प्रियंका के जबरदस्त गेम पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।